वेलकम बैक दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोयोटा हाइलक्स के बेस मॉडल स्टैंडर्ड की। दोस्तों हाइलक्स को दो ही वेरिएंट्स के अंदर लॉन्च किया गया है, बेस मॉडल स्टैंडर्ड और जो टॉप मॉडल है वो हाई के नाम से आता है। अब अगर आप ऑटोमेटिक परचेज करने के प्लान में हैं तो दोस्तों स्टैंडर्ड वेरिएंट के अंदर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर नहीं किया जाता, उसके लिए आपको हाई वेरिएंट ही कंसीडर करना होगा। प्राइसिंग देख लेते हैं तो बेस मॉडल जो स्टैंडर्ड आता है उसका एक शोरूम कॉस्ट रखा गया है 34,99,000 रुपीज़ का। जबकि बात की जाए अगर हाई वेरिएंट की तो उसके अंदर अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन चूज करते हैं तो उसका एक शोरूम कॉस्ट आता है 35,80,000 रुपीज़। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो करीब 1,81,000 रुपीज़ जो है वो अपना स्टैंडर्ड वेरिएंट सस्ता है हाई वेरिएंट से। तो चलिए जानते हैं स्टैंडर्ड वेरिएंट के फीचर्स के बारे में और साथ ही बात करेंगे स्टैंडर्ड वेरिएंट और हाई वेरिएंट के बीच में आपको डिफरेंसेस क्या क्या मिल जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, जो गाड़ी आपके सामने खड़ी है ये इसका टॉप मॉडल हाई है, क्योंकि बेस मॉडल अभी तक टोयोटा ने डीलरशिप पर डिस्पैच नहीं किया है। लेकिन इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हैं तो आपको जो है ना स्टैंडर्ड वेरिएंट कैसा आएगा उसकी कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी और कंपेयर भी कर दूंगा मैं कि बेस मॉडल स्टैंडर्ड से अपना हाई वेरिएंट में आपको फीचर का कौन कौन सा डिफरेंस मिल जाएगा। तो भाई मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले इस कार के फ्रंट फीचर्स के बारे में। सबसे ऊपर एंटीना की प्लेसमेंट है, वाइडर्स आपको विंडो स्क्रीन मिल जाती है, दो मैनुअल वाइपर्स दिए गए हैं और जो इसका बोनेट दिया गया है वो काफ़ी एरोडायनेमिक शेप्स के साथ आपको ऑफर किया जाता है, काफ़ी मस्कुलर शेप्स के साथ आपको मिलता है। अब जो टॉप मॉडल की ग्रिल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्रोम और पियानो ब्लैक के इंसर्ट के साथ आपको दी जाती है। लेकिन बेस मॉडल के अंदर आपको जो ग्रिल का सराउंड है ये सिल्वर फिनिश में दिया गया है और जो अपना पियानो ब्लैक का इंसर्ट है ब्लैक मिलता है। टोयोटा का लोगो आपको सेम इसी प्लेसमेंट में देखने को मिल जाता है दोनों ही कार्स के अंदर। इसके अलावा आप देखें तो इसके हेडलैम्प के अंदर भी आपको चेंज मिलता है। बेस मॉडल का जो हेडलैम्प है उसके अंदर आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, लेकिन ये जो डीआरएल्स हैं ये नहीं दिए गए, ये सिर्फ टॉप मॉडल के अंदर ऑफर किए जाते हैं। टर्न इंडिकेटर आपको दिया गया है सेम इसी तरीके से आपको वो मिलता है। इधर आपको हाइलक्स की मार्किंग भी मिल जाती है। बाकी फ्रंट फॉग लैम्प्स और जो अपने फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हैं दोनों ही वेरिएंट्स के अंदर आपको सेम दिए जाते हैं। डायमेंशन वाइज अगर आप देखते हैं तो दोनों ही वेरिएंट्स के अंदर आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। साइड प्रोफाइल यहां पे आप चेकआउट कर सकते हैं, डिफरेंस आता है इसके व्हील्स के अंदर, यहां पे 18 इंच का है, वहां पे आपको 17 इंच के मशीन अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। क्रोम डोर हैंडल्स आपको दोनों ही वेरिएंट्स में मिलेंगे, चाहे आप बेस मॉडल लीजिए चाहे आप टॉप मॉडल, लेकिन ये जो अपनी क्रोम बेल्ट लाइन है ये वाली ये सिर्फ आपको टॉप मॉडल में ही मिलती है। टॉप मॉडल का आउटसाइड रियर व्यू मिरर देखें तो इसके ऊपर आपको क्रोम मिल जाता है, साथ ही टर्न इंडिकेटर है, इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट और फोल्ड भी कर पाते हैं। लेकिन जो बेस मॉडल वाला आएगा वो आपको क्रोम फिनिश के साथ नहीं मिलेगा और सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्ट ही आप उसको कर पाएंगे, फोल्ड अनफोल्ड आपको हाथ से ही करना होगा। ये तो हो गए साइड डिफरेंसेस, अब आती है रियर की बात। सबसे पहले आप यहाँ पर देखें जो इसका टेल लैम्प है टॉप मॉडल में एलईडी टाइप का दिया जाता है, लेकिन आप बेस मॉडल लेते हैं तो उसमें हेलोजन मिलेगा, टोयोटा का लोगो यहाँ पे मिलता है। साथ ही ये देखिए हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, ये अपना रियर डोर हैंडल्स हैं। इधर अपने को जो है वो कैमरे की प्लेसमेंट मिल जाती है। बाकी दूसरी तरफ देखें तो हाइलक्स की आपको मार्किंग दी गई है। लोअर पोर्शन पे आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको चेंज मिलेगा, ये जो ब्लैक जो है वो आपको मिलता ही है, साथ ही ये जो आप क्रोम का इंसर्ट देख रहे हैं ये आपको बेस मॉडल में नहीं मिलेगा, पार्किंग सेंसर्स आपको दिए जाते हैं। पार्किंग सेंसर्स की जो प्लेसमेंट है काफ़ी अच्छी तरीके से की गई है और इसका जो डिस्प्ले है वो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर देखने को मिल जाएगा। बूट स्पेस आपको दोनों में ही सेम मिलेगा 470 लीटर्स का और काफ़ी अच्छी जगह आपको मिल जाती है। अगर आप कैंपेनिंग वगैरह पे इसको यूज़ करते हैं तो काफ़ी अच्छा सामान स्टोर कर सकते हैं, कमर्शियल में यूज़ करना चाहें तो भी आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे स्टोरेज स्पेस के साथ आपको ये मिल जाती है। और यहाँ पर देखें तो इसका जो ढाला बोलते हैं शायद से, इसको भी आप कुछ तरीके से ओपन कर सकते हैं बूट एक्सेस करने के लिए, काफ़ी आपको ये हैवी मिल जाता है। चलिए अब चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर में और देखते हैं कि वहाँ पे कौन कौन से फीचर्स आपको मिलते हैं। तो दोनों ही साइडों में ड्राइवर और को ड्राइवर बोथ साइड्स में आपको दोनों ही वेरिएंट्स के अंदर रिक्वेस्ट सेंसिंग बटन मिल जाता है। इंटीरियर में आ जाते हैं तो कंप्लीट जो इस गाड़ी का इंटीरियर रखा गया है वो आपको फॉर्चुनर जैसा ही नजर आने वाला है, ब्लैक कलर का सिल्वर इंसर्ट के साथ है और कई जगहों पर आपको जो है पियानो ब्लैक के इंसर्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर देखें तो 6 स्पीकर सेटअप है, 2 ट्विटर और 4 स्पीकर, ये कंप्लीट पोर्शन आपको ब्लैक कलर में ही दिया गया है। ये जो इनसाइड डोर हैंडल है टॉप मॉडल में क्रोम आता है, बेस मॉडल में आपको ब्लैक कलर में दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे मिरर कंट्रोल्स हैं जहाँ पे आप फोल्ड अनफोल्ड और अपना एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन बेस मॉडल में सिर्फ एडजस्टमेंट आती है, चारों पावर विंडोज आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। नीचे की तरफ आपको स्पीकर की प्लेसमेंट दी गई है, बोतल होल्डर है और साथ ही यूटिलिटी स्पेस मिल जाता है और नीचे आपको जो अपना रिफ्लेक्टर्स हैं वो दिए गए हैं। डैशबोर्ड जो है आपको दोनों ही वेरिएंट्स के अंदर एज इट इज़ देखने को मिल जाता है।
स्टेयरिंग व्हील देखें तो यहाँ पे आप देखें तो 3-स्पोक स्टेयरिंग व्हील है सिल्वर इंसर्ट के साथ, अपना MID कंट्रोल्स दिए गए हैं, क्रूज कंट्रोल आपको मिल जाते हैं, साथ ही ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं जो कि आपको एज इट इज मिलने वाले हैं। बाकी यहाँ पर देखें तो टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही वेरियंट्स के अंदर आपको स्टेयरिंग व्हील दिया गया है। इसके अलावा दोनों के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी कोई बदलाव नहीं है, सेम आपको मिलेगा बेस टू टॉप। यहाँ पे आपको डिजिटल और एनालॉग दिया गया है, स्पीडोमीटर टैकोमीटर दोनों ही आपको एनालॉग मिल जाते हैं, बीच में छोटी सी MID स्क्रीन मिलती है जो कि इसके कई सारे इंडिकेशंस ऑफर करती है, जिसको आप कंट्रोल जो है वो स्टीयरिंग पे दिए हुए बटन से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बटन्स प्रोवाइड किए गए हैं जिनकी हेल्प से आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर कई सारे इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर पाते हैं। साथ ही दोनों वेरिएंट्स के अंदर आपको म्यूजिक सिस्टम भी सेम मिलेगा 8-इंच स्क्रीन के साथ, एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी आपको ऑफर की जाती है। यहाँ पे अगर आप टॉप मॉडल लेते हैं तो आपको जो क्लाइमेट कंट्रोल है वो डुअल जोन टाइप का ऑटोमेटिक दिया गया है, लेकिन बेस मॉडल में मैनुअल मिलता है। इधर आपको दोनों ही वेरिएंट के अंदर फोर व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिल जाता है दिया गया है। ट्विन आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं, साथ ही दो मोड्स मिलते हैं, एक इको और एक अपना पावर का, तो दो ही बहुत ही बड़े बड़े बटन यहाँ पे मिल जाते हैं और ये इल्यूमिनेटेड दिए गए हैं। बाकी डोर पैनल्स पे जो भी बटन्स हैं वो सारे ही आपको इल्यूमिनेटेड मिल जाते हैं, और जो इसकी विंडो है वन टच डाउन और अपना वन टच अप के फीचर के साथ मिलती है, मतलब चारों पावर विंडोज आपको जो है ना वन टच अप और वन टच डाउन के फीचर के साथ दी गई है। बाकी अदर फीचर्स फ्रंट में आपको सेम मिलते हैं, ये आप ये देखें तो आपको यहाँ पर कुशनिंग मिल जाती है टॉप मॉडल के अंदर, बेस मॉडल में आपको सिर्फ प्लास्टिक ही दिया गया है। दो ग्लो बॉक्स मिल जाते हैं आपको, यहाँ पर आप देखें तो सबसे ऊपर की तरफ आपको एक इस तरीके का दिया गया है, और इसमें आपको कूलिंग का फंक्शन भी प्रोवाइड किया जाता है, और नीचे वाला आपको लॉक है, मतलब आप जो है इसको कुछ इस तरीके से यूज़ कर पाएंगे, और कोई भी आपको चीज़ रखनी है तो उसको आप यहाँ पर लॉक भी कर सकते हैं। की जो है ना वो अपनी ये जो चाबी की है ना उसी का आपको इस्तेमाल यहाँ पर करना होगा। दोस्तों अगर आप ऑफ रोडिंग के लिए यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे सपोर्ट दिए गए हैं। यहाँ पर आप ग्रैब हैंडल देखें दोनों ही साइडों में मिल जाते हैं, और इस तरफ भी आपको ये दिया गया है। साथ ही आप यहाँ पर देखें तो SRS आपको एयरबैग्स मिल जाते हैं, टोटल 7 एयरबैग्स आपको जो वेरिएंट है वो ऑफर कर देता है। ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आपको सनवाइजर में एक टिकट होल्डर, यहाँ पर एक सनग्लास होल्डर दिया गया है कुछ इस तरीके से, और दो अपने हेलोजन टाइप जो इसके कैबिन लैंप्स हैं वो मिल जाते हैं। ऑटो डिमिंग आपको IRVM मिल जाता है, ये ऑटो के फीचर के साथ आता है। को ड्राइवर साइड देखते हैं तो यहाँ पे आपको सनवाइजर में एक वैनिटी मीटर मिल जाता है, लैंप वगैरह आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है। सीट्स की बात कर लेते हैं तो अगर आप हाई वेरिएंट लेते हैं तो वहाँ पे आपको क्या है कि आपको लेदर सीट अपहोल्स्ट्री प्रोवाइड की जाती है कुछ इस तरीके से, लेकिन अगर आप बेस मॉडल लेते हैं तो आपको फैब्रिक सीट का इंसर्ट ही दिया गया है। और एक और डिफरेंस आता है टॉप मॉडल में आपको जो है ना ड्राइवर वाली सीट पावर वे में एडजस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है कुछ इस तरीके से, लेकिन अगर आप लेते हैं बेस मॉडल तो उसके अंदर आपको मैनुअल टाइप के ही दिए जाते हैं एडजस्टमेंट कंट्रोल्स। तो ये तो हो गए फ्रंट फीचर्स की बात और डिफरेंसेस, अब देखते हैं रियर प्रोफाइल को। तो रियर का जो प्रोफाइल रहने वाला है दोनों ही वेरिएंट्स के अंदर आपको एज इट इज सेम ही दिया जाएगा, कोई भी डिफरेंस आपको दोनों ही कार्स के अंदर चाहे आप बेस मॉडल लीजिए चाहे टॉप मॉडल देखने को नहीं मिलेगा। बस टॉप मॉडल में यहाँ पे लेदर सीट मिल जाती है, वहाँ पे आपको बेस मॉडल के साथ जो है वो फैब्रिक सीट का इंसर्ट दिया जाएगा। आर्मरेस्ट वगैरह जो है दोनों ही वेरिएंट्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे विद ट्विन कप होल्डर्स। इंजन में भी दोनों कार्स के अंदर कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। 2.8 लीटर का आपको जो डीजल इंजन है वो ऑफर किया जाएगा। पावर आउटपुट की बात करते हैं तो 204 अपना PS की पावर देगा और 420 न्यूटन मीटर का टॉर्क मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। बाकी सेफ्टी फीचर्स के लिहाज से इस कार के अंदर आपको टोटल 7 एयरबैग्स, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल और बाकी सभी जो फीचर्स हैं बेसिक सारे कुछ मिल जाते हैं। साथ ही दोस्तों टोयोटा का ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा रिलायबल आपको मिल जाता है। बाकी इससे बात करें अगर कलर ऑप्शंस की तो चार कलर के ऑप्शंस आपको बेस मॉडल में मिलते हैं, 4 कलर के ऑप्शन आपको टॉप मॉडल में भी मिलते हैं, लेकिन डिफरेंस आता है वाइट कलर के अंदर। अगर आप बेस मॉडल में वाइट कलर परचेज करते हैं तो सॉलिड वाइट दिया जाता है, और अगर आप टॉप मॉडल लेते हैं तो वहाँ पे आपको मेटेलिक वाइट ऑफर किया जाता है। बाकी प्राइस वगैरह की बात हम लोगों ने कर ही ली है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। कार्स के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी हो आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं 36 टोयोटा फरीदाबाद शोरूम में। कॉन्टैक्ट डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वाहन ऑफिशियल।